word that represents a person, place, thing or idea. नाउन क्या होते हैं? नाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि हमें किसी व्यक्ति, जगह या किसी चीज़ के बारे में बताती हैं, और नाउन को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है. काउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड. अ काउंटेबल नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. वन एप्पल, टू एप्पल्स, एक्सेट्रा. काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं. जैसे कि एक एप्पल, दो एप्पल. एग्जाम्पल, एन एप्पल या डे कीप्स द डॉक्टर अवे. और काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा ए और एन यूज होता है. ए एन इज ओनली यूज विद काउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स आर थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड. सो दे ओनली हैव सिंगुलर फॉर्म. सम राइज, सम टी, एक्सेट्रा. और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? वो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते. जैसे कि चावल, चाय पत्ती, ये सब चीज़ को हम गिन नहीं सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, वी कैन नॉट काउंट मिल्क. दूध को भी हम गिन नहीं सकते. क्या आप लोग दूध को गिन सकते हो? पानी को गिन सकते हो? वी कैन काउंट बॉटल ऑफ मिल्क और लीटर ऑफ मिल्क, बट वी कैन नॉट काउंट मिल्क इटसेल्फ. हम मतलब दूध की कितनी बॉटलें वो गिन सकते हैं, और कितना लीटर दूध है वो पता लगा सकते हैं, लेकिन दूध कितना है हम ये नहीं गिन सकते. प्रॉपर नाउन्स. अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम दैट नेम्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम बताते हैं, या पर्टिकुलर जगह का, या पर्टिकुलर थिंग का, उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. फॉर एग्जांपल, रॉय. यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम बता रहे हैं, इसलिए रॉय जो है वो प्रॉपर नाउन है. अ प्रॉपर नाउन कैन बी मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड. अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीइंग्स विद अ कैपिटल लेटर. और जो प्रॉपर नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. जैसे कि पहले भी अपन पढ़े कि जो कॉमन नाउन होते हैं वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं होते. नेसेसरी नहीं होता है कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होए, बट प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. कॉमन नाउन्स. अ कॉमन नाउन नेम्स एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. कॉमन नाउन क्या होते हैं? जो कोई भी पर्सन के बारे में, किसी भी प्लेस के बारे में, और कोई भी चीज़ों के बारे में हमें बताते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं. जैसे इसमें कोई पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस का नाम मेंशन नहीं होता है. कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे कम एट द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस. और कॉमन नाउन ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट हो. जैसे एग्जांपल, टीचर, बेसबॉल, सिटी. यहाँ पे हम टीचर बोल रहे हैं, तो टीचर कोई भी टीचर हो सकती है, हमने किसी पर्टिकुलर टीचर का नाम नहीं लिया है. वैसे ही सिटी, सिटी तो बहुत सारी होती है. अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर किसी सिटी का नाम होता है तो वो कॉमन नाउन नहीं होता. कलेक्टिव नाउन्स. नाउन्स दैट नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, थिंग और एनिमल. कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो कि हमें एक ग्रुप के बारे में बताते हैं. जैसे किसी पर्सन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, थिंग्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, वो होते हैं कलेक्टिव नाउन. जैसे हम फैमिली बोलते हैं ना, फैमिली, तो फैमिली क्या है? कलेक्टिव नाउन है. बंच, फॉर एग्जाम्पल, वी आर सेइंग बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब अंगूर का गुच्छा है, तो वो एक साथ हम बोल रहे, तो ये हम बंच क्या होएगा? कलेक्टिव नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, हियर, टच, स्मेल और टेस्ट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो वर्ड्स होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते या टेस्ट नहीं कर सकते. जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ट्रूथ, दीज ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मटेरियल नाउन. अ मटेरियल नाउन इज दैट व्हाट रिफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन.
मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जैसे कि कोई सब्सटेंस से कुछ चीज़ें बन रही है, जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनता है तो वो क्या होगा, मटेरियल नाउन। कोई भी सब्सटेंस से जब हमारे पास कुछ मटेरियल बनता है तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे ग्लास, वीट, वीट मतलब गेहूँ, गोल्ड, कोल, जैसे ऑर्नामेंट्स आर मेड अप ऑफ गोल्ड, तो ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं, मटेरियल नाउन।